नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, वो बात है ना कि भाई सब कंट्री की फ्लाइटें चालू हो रही है, कुवैत अगर फ्लाइट चालू नहीं करें तो बेइज्जती होती है इंटरनेशनल स्तर पे और सरकार पे एक दबाव बनता है। इसको देखते हुए बोलती है कि घूंघट निकालेंगे लेकिन थोड़ा निकालेंगे, ये स्थिति एक तरह से समझने की कोशिश करें। कुवैत सरकार ने फ्लाइटें चालू की है लेकिन कंडीशन इतनी भयंकर लगा दी कि आप सोच नहीं सकते। ये वीडियो हालांकि बनाना मुझे इतना इंटरेस्टेड था नहीं, लेकिन इसलिए बनाना जरूरी है कि भाई जैसे आपको सुनने में आया कि फ्लाइटें चालू हो गई, हालांकि इंडिया से फ्लाइट चालू नहीं, ये क्लियर कर दूं मैं, लेकिन जैसे सऊदी जा रहे थे ना यहाँ से दुबई, दुबई से सऊदी, इस तरह से लोग, फिर ये एजेंट बड़ा सिस्टम गंदा है भाई, तुरंत प्रभाव अपूरी आग फैल जाती है एक तरह से। हाँ जी, हम आपको पैकेज दे देंगे, लाख रुपए में आपको कुवैत पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ दे देते हैं अपने, ठीक है, और आप भी ले लेते हो क्योंकि आपकी मजबूरी होती है कुवैत जाना, आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, आपका बिजनेस वहां पे पड़ा है, आपके पैसे वहां पे, वगैरह वगैरह कई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुवैत ने फ्लाइटें चालू की है लेकिन कंडीशन के साथ, नंबर नहीं आने वाला है। 20 फरवरी तक आपको फ्लाइट नहीं मिलने वाली है, आप चाहे किसी भी कंट्री से चले जाओ, क्योंकि कुवैत सरकार ने कोटा सिस्टम लागू कर दिया। कोटा सिस्टम क्या है, कौन से देश से कितने यात्री एक दिन में जा सकते हैं, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आप गल्फ कंट्रीज कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कोटा मतलब समझिए भाई, फ्लाइट कंट्री ने चालू किया। देखिए डीजीसीए वहां का जो कुवैत का है, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है एयरपोर्ट पे एयरलाइन अथॉरिटी को। जी हाँ, उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ हमारे पास पर डे 1,000 आदमी आएंगे, एयरपोर्ट पे 1,000 यात्री उतरेंगे। अब 1,000 यात्रियों में कोटा सिस्टम कर दिया कि कौन से देश से कितने कितने लोग आने वाले हैं एक दिन के अंदर, अब आप समझ सकते हैं। फ्लाइटें भी हालांकि फिर जितने बुकिंग वुकिंग थी सब फ्लाइटों ने फ्लाइटें कैंसिल कर दी क्योंकि सरकार ने सिस्टम चेंज कर दिया। और सरकार ये सोच ये कह इसका तर्क है कि भाई जितने कम यात्री आएंगे हम कोरोना पे कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि आप कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके जा रहे हो वहां पे भी कर लेंगे, लेकिन वो उनके दिमाग से ऊपर की बातें हैं कि भाई कोरोना टेस्ट जब पीसीआर टेस्ट लेके आप रिपोर्ट लेके जा रहे हैं साथ में नेगेटिव रिपोर्ट, उसको भी पता नहीं, फिर भी उनको लगता है कि क्या पता कोरोना थोड़ा साथ साथ में आ रहा होगा। ऐसी कुछ स्थिति चल रही है कुवैत सरकार में। जी हाँ, दुबई और तुर्की। जी हाँ साथियों, अगर आप लगता है कि आप दुबई से पहुंच जाओगे तो यहाँ से आपका आपको वहां दुबई एक एक महीने बैठना पड़ जाएगा भाई। 20 फरवरी तक दुबई से कोई फ्लाइट कुवैत के लिए आपको टिकट नहीं मिलेगी, तुर्की से भी आपको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि तुर्की बहुत सारे इंडिया के लोग जा रहे हैं और सोचते हैं कि तुर्की से आप कुवैत चले जाओगे तो 20 तारीख तक एकदम फुल है, 20 फरवरी तक कोई आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी। क्योंकि सरकार ने प्रत्येक उड़ान में एयरपोर्ट जो एयरलाइन है उसमें 35 कैंडिडेट बैठने चाहिए, ये कंडीशन लागू की है। अब बताओ 35 एक प्लेन में बैठ के जाएंगे और 150 की 150 कैपेसिटी की वो प्लेन होगी तो 3 गुना कम हो गए, 3 गुना हो गए। तो फ्लाइट जैसे टिकट का 30,000 लग रहा है तो सीधा 90,000, 1,00,000 रुपए आपका लगेगा, क्योंकि फ्लाइट वाले जेब से ईंधन और वो खर्चा नहीं करेंगे, वो तो आप में से निकालना है। इसी वजह से इस कोटा सिस्टम को लागू करने की वजह से एयरलाइंस ने है ना जो फ्लाइटें बुक की थी टिकटें वो सब कैंसिल कर दी। अभी 3 फ्लाइटें जा रही हैं, अम्मान, जेदा और इस्तांबुल से 3। अब कोटा सिस्टम से देख लीजिए, यूएई से 84 कैंडिडेट पर डे जा सकते हैं, 100 कैंडिडेट भी नहीं है भाई। दुबई से सिर्फ 84 लोग कुवैत एक दिन में जा सकेंगे, तुर्की से 63 यानी तुर्की से 63 लोग एक दिन में फ्लाइट से जा सकेंगे, सऊदी अरब से 42 यानी सऊदी अरब से कोई कुवैत जाना चाहता है तो 42 आदमी जा सकेंगे, जॉर्डन, मस्कत और बहरीन से मात्र पर डे 35-35 आदमी जा सकेंगे। जी हाँ, 35 आदमी एयरपोर्ट पे इन तीनों कंट्रीज के वहां पे लैंड कर सकेंगे। नागरिक चाहे किसी भी प्रवासी राष्ट्रीयता का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी देशों के लिए संख्या सेम यही है। आप देख लीजिए भाई, आपका नंबर क्या आएगा तो आपको यहाँ बिठाने के लिए वीडियो बनाया कि टिकटें न बनाए, लाख रुपए के नीचे आ जाओगे वो ब्याज भी उठा के आपका ब्याज चालू हो जाएगा। तो इन वीजा भाई कैंसिल हो तो हो, वैसे भी लोगों के कुवैत के वीजा कैंसिल हो गए तो इन चक्रों में दुबई जाके बैठना, तुर्की से ये वो, इन चक्रों में मत जाना क्योंकि नंबर नहीं आने वाला है, टिकटें बिकेंगी ब्लैक में। जो एक 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 1,000 की टिकट के 5,000 देगा ना उसको टिकट मिलेगी, और गरीब आदमी मर मत जाना, मेरा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से। बस जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।